Hello students and welcome to this new lecture where we will start uh, chapter number thirteen of uh, your social sciences textbook, India Location, Geological Structure and Physiography Part One. So uh, this chapter is uh, the geography part of your SS textbook where we will see the first uh, chapter which is chapter number thirteen, India Location, Geological Structure and Physiography. so what do you mean by location? Location means, आपको पता है, locations होता है एक pinpoint. हमारा लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड के अंदर उसकी हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब पूरे वर्ल्ड के जो भी स्ट्रक्चर हैं ठीक है ठीके? पूरे प्लेट्स होते हैं अर्थ के प्लेट्स होते हैं लैंड प्लेट्स होते हैं कॉन्टिनेंट प्लेट्स होते हैं उसके बारे में भी, भी हम बात करेंगे और फिजियोग्राफी फिजियोग्राफी क्या होता है बेटा अर्थ की बनावट ठीक है उसके बारे में हम बात करेंगे चलिए हम बढ़ते हैं आगे तो शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर थर्टीन India holds a unique position among the countries of the world. India is a country having largest democracy and its culture is one of the oldest. भाई इंडिया की बहुत ही यूनिक पोजीशन है पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें बहुत ही बढ़िया पोजीशन है बहुत ही यूनिक पोजीशन है इंडिया की। India is a country having largest democracy and its culture is one of the oldest. इंडिया जो एक कंट्री है वो बहुत ही बहुत ही सबसे बड़ी अभी भी it is a largest democracy in the वर्ल्ड तो बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही ओल्डेस्ट है ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना है हमारा कल्चर है ना हमको जो भी हमको हमारे जैसे हम जी रहे हैं जो हमको सिखाया गया है वो बहुत ही पुराना है बहुत ही ओल्ड है इट हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड तो ये तो हमको पता ही है कि भाई इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड

भाईचारे वाला एटीट्यूड है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने वाला जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड ने किसी भी रिलीजियन किसी भी रेस या किसी भी लोगों को बाहर नहीं लिखा है सबको एक्सेप्ट किया है होल हार्टेडली ठीक है हमने सबको एक्सेप्ट किया रिलीजन को एक्सेप्ट किया है जो भी रिलीजन हो रेस रेस मतलब जो भी कलर हो आपका ब्लैक हो वाइट हो ग्रे हो व्हीट uh, कलर हो जो भी कलर है हमने उनको एक्सेप्ट किया है एंड रेस सॉरी एंड पीपल जितने भी लोग यहाँ पे आए सबको एक्सेप्ट किया है हमने दस इम्पार्शलिटी टूवर्ड्स ऑल रिलीजन पीपल एंड रेसेस इज द पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया हमने कोई भी रिलीजन के साथ कोई भी लोगों के साथ या कोई भी रेस के लोग के साथ कोई भी अम uh, पार्शलिटी नहीं की है हम इम्पार्शल रहे हैं हम इक्वल रहे हैं सबके बारे में जब सोच रहे हैं तब तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं कल्चरल कॉन्फ्लुएंस इसीलिए इंडिया एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस बन गया है, culture हो गया है हमारा ठीक है बहुत ही मिक्स कल्चर बहुत सारे रिलीजियंस आ गए हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं अलग अलग टाइप के इसीलिए हमारा इंडिया कल्चरल कॉन्फ्लुएंस बन गया बड़ा कॉन्फ्एंस का मतलब मिक्सचर बन गया है इवन दो मैनी नेचुरल एंड मैन इंड्यूस डिजास्टर्स हैोग्रेस जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आए जितने भी मैन डिजास्टर्स आए वो आने के बाद भी हम इंडिया हम इंडियंस और हमारा इंडिया कंटिन्यू ही रहा है प्रोग्रेस ही करता रहा है तो ज्योग्राफिकल कंडीशन इमेंसली टूवर्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कल्चर तो हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है और उन्होंने हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसने हमारी प्रोग्रेस में बहुत ही मदद की है हमारी डेवलपमेंट में बहुत ही मदद की है ये देखिए हमारे पास पूरा मैप है इंडिया का और यहाँ पे हमको इंडिया वाइट कलर में दिख रहा है ठीक है ओके आगे जाने से पहले ये मैप थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है तो ये सारे जो है कॉन्टिनेंट्स है बेटा कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात की गई है नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका है ठीक है अफ्रीका है यूरोप है एशिया है है ना ऑस्ट्रेलिया है तो ये सारे हैं हमारे कॉन्टिनेंट ओशियंस भी हमको दिए गए हैं इसके अंदर देखिए नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ पैसेफिक साउथ पैसेफिक साउथ अटलांटिक इंडियन ओशियन साउथ पैसेफिक नॉर्थ पैसे यही ओशियन यहां भी फॉलो होंगे तो सेम ही लिखे ओके नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक अटलांटिक पैसेफिक इंडियन ओशियन यहां पे हमको दिख रहा है और नीचे एंटार्टिका की प्लेट हमको दिख रही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम India, location, size and area. इंडिया लोकेशन साइज एंड एरिया चलिए ज्योग्राफिकली इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। भाई ज्योग्राफिकली मतलब जब हम मैप में देखते हैं तब ज्योग्राफी के अंदर इंडिया कहां पे दिख रहा है हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो यहां पे इक्वेट जो इक्वेटोर दिया हुआ है वो अफ्रीका से पास हो रहा है दिख रहा है आपको ये जो डैश 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 वाली लाइन है मैं लाइन आपको करके दिखाता हूँ चलिए ये जो लाइन है वो है इक्वेटोर है ना इक्वेटोर जो है वो अफ्रीका से पास होता है अफ्रीका से पास होता है भाई की जो लाइन है उसके ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके नीचे को पार्ट को हमको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर ऊपर आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नीचे आ गया साउदर्न हेमिस्फीयर यह आप पता चल गया बेटा आपको चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमेस्फियर हमने देखा कि इक्वेटर के ऊपर इंडिया है नॉर्दर्न हेमेस्फियर इट एक्सटेंड्स अप टू द साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट देखो बेटा ये ग्रीन कलर का जितना भी कॉन्टिनेंट है है ना ग्रीन कलर का जितना भी लैंड पार्ट है उसमें साउदर्न पार्ट में आता है इंडिया है ना साउदर्न पार्ट मतलब नीचे के पार्ट में आ रहा है तो इसीलिए बोला गया कि इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में आता है स्पैन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम एट डिग्री फोर टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ लैटी क्या है सर तो अभी सर बताते हैं देखिये इंडिया का जो भी पार्ट है ना वो एट डिग्री फोर से लेके थर्टी सेवन डिग्री सिक्स तक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके स्क्रीन पर थोड़ा मैप में छोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखेगा तो ये देखिए हमारे स्क्रीन पे मैप आ गया है जो मैप है उसके अंदर नीचे देखो एट डिग्री फोर लिखा हुआ है है ना तो एट डिग्री फोर से लेके ऊपर ऊपर तक थर्टी सेवन डिग्री सिक्स तो ये जो है वो नॉर्थ लेटिट्यूड है बेटा ठीक है एट डिग्री फोर टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ लेटिट्यूड तो हम जब इक्वेटोर से काउंट करेंगे देखो हम इक्वेटोर पे आते हैं वापिस इक्वेटोर से जीरो डिग्री से थोड़ा ही कम है इंडिया तो यहां पे इक्वेटोर से लेके 8 डिग्री 4 ऊपर है से लेके 37 डिग्री 6 तक ये हो गया हमारा इंडिया का मेन लैंड मेन लैंड मतलब जमीन का पार्ट नीचे 8 डिग्री 4 से लेके ऊपर तक 37 डिग्री 6 तक ये हो गया हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड सर तो लैटिट्यूड क्या होता है देखिए बेटा थोड़ा जूम करते हैं और मैं आपको बताता हूं ये जो लाइंस दिख रही है आपको ये जो लाइन दिख रहे हैं ना बेटा ये देखो यहाँ पे सिक्सटी लिखा हुआ है यहाँ पे फोर्टी लिखा हुआ 20 है ट्वेंटी है जीरो है ट्वेंटी है फोर्टी है सिक्सटी है तो ये सारे जो है वो है लेटिट्यूड वो है लेटिट्यूड जो ऐसे पास हो रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेटर जो है ठीक है इक्वेटर जो है वहां से थोड़ा ही ऊपर है इंडिया तो यहाँ पे एट डिग्री लग जाता है ये जो लाइन पास हो रही होगी यहां से जो लाइन पास हो रही होगी ना बेटा वो एट डिग्री की होगी सॉरी ये थोड़ा प्रॉपर लाइन नहीं हो रहा है इसके अंदर तो यहां से जो लाइन पास हो रही होगी वो एट डिग्री होगी ठीक है ये जो लाइन पास हो रही है वो एट डिग्री फोर होगी तो और ये जो लाइन पास हो रही है वो थर्टी सेवन डिग्री सिक्स होंगी ये समझ में आया बेटा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं वापिस वो मैप पे आते हैं एट डिग्री फोर ये जो लाइन पास हो रही है वो एट डिग्री फोर होंगी है ना अरे रे, ये जो लाइन पास हो रही है ना बेटा देखो यहां पे थोड़ा मैं जूम इन करता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं देखो यहां पे एट डिग्री लिखा हुआ है दिख रहा है बेटा यहां पे एट डिग्री लिखा हुआ है एट डिग्री तो एट डिग्री से थोड़ा ऊपर है तो एट डिग्री फोर एट डिग्री फोर ठीक है और ऊपर यहाँ पे देखो थर्टी सिक्स की जो लाइन है थर्टी सिक्स की जो लाइन है वो हमको दिख रही है थर्टी सिक्स डिग्री की लाइन दिख रही है लेकिन वो यहां से पास हो रही है है ना तो थोड़ा ऊपर है थर्टी सेवन सिक्स ठीक है ये ऐसे आपको याद रखना है जो भी लाइन पास हुई है ऐसी ऐसी लाइन पास होती है ना वो होते हैं लेटिट्यूड और उससे कैलकुलेट किया हमने नॉर्थ लैटिट्यूड चलिए एट डिग्री फोर से लेके थर्टी सेवन सिक्स टू नाइन सेवन ईस्ट लॉन्गिट्यूड सर ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या होता है बहुत ही सिंपल देखो नॉर्थ लैटिट्यूड हमने देखा ये वाली लाइन ये वाली लाइन जो यहाँ पे मूव हो रही है ऐसे 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 जा रही है ये वाली लाइन तो ये हो जाती है हमारी लैटिट्यूड तो ये वाली लाइन जो पास होती है वो जाती है लॉन्गिट्यूड ठीक है ये वाली लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूड है तो यहाँ पे भी हमने मेजरमेंट लिखा हुआ है देखो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है ये सुनो यहाँ पे भी 60 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे हमको दिखेगा 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100 यहाँ पे देखो 68 वाली जो लाइन है वो यहाँ पे पास हो रही दिख रही है आपको ये वाली लाइन जो यहाँ पे पास हो रही है वो यहाँ से पास हो रही है दिख रहा है आपको गुजरात के रण ऑफ कच्छ के पार्ट से पास हो रही है तो ये सिक्सटी डिग्री वाली जो लाइन है वो सिक्सटी डिग्री सेवन पे जाके गुजरात शुरू होता है वहां पे और ये लाइन पास हो गई 72 हो गया 76 हो गया 80 हो गया 84 हो गया 88 हो गया एंड कहाँ पे होता है 92, 96, 96 सिक्स वाली जो लाइन है वो यहाँ से पास हो रही है तो यहाँ पे एक डिग्री थोड़ा बढ़ जाता है 97 डिग्री 25, ठीक है तो ऐसे आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है और ये हमारा जो ऊपर जो होता है उसको नॉर्थ लेटिट्यूड बोलेंगे और ये होता है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे तो नॉर्थ में 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक और ईस्ट में 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक ये हमको याद रखना बेटा ठीक है नॉर्थ और ईस्ट चलिए ओके हो गया

इक्वल भाग में डिवाइड कर रहे हैं ऐसा हम बोल सकते हैं इक्वल तो गिन नहीं सकते हम लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जो इंडिया के सेंटर में से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है भाई ट्वेंटी थ्री डिग्री फाइव पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है ठीक है यहाँ पे थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पता चल जाएगा यहाँ पे देखिए ट्वेंटी लिखा हुआ है ट्वेंटी फोर लिखा हुआ है ट्वेंटी फोर के थोड़े नीचे से यहाँ पे लाइन पास हो रही है तो ट्वेंटी थ्री डिग्री फाइव से ट्रॉफी ऑफ कैंसर पास हो रहा है यहाँ पे भी देखो 24 लिखा हुआ है ये सुनो ये जो है वो ट्रॉफी ऑफ कैंसर है और हम इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इट्स नॉर्दर्न पार्ट स्प्रेड मोर इन द ईस्ट वेस्ट डिरेक्शन तो नॉर्दर्न पार्ट जो है भाई उसका हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर वाला जो पार्ट है वो ईस्ट वेस्ट डिरेक्शन में ज्यादा फैला हुआ है ये एरिया में ज्यादा फैला हुआ है ना ईस्ट वेस्ट डिरेक्शन में बड़ा पार्ट है पूरा पार्ट आप देखने जाए तो ये नीचे से बड़ा है ये छोटा पार्ट है थोड़ा लेकिन ये बहुत ही बड़ा पार्ट है ठीक है तो ईस्ट और वेस्ट ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट इंडिया का ईस्ट पार्ट जहां पे हमको आसाम दिखता है अरुणाचल प्रदेश दिखता है, है ना ये हो गया ईस्ट पार्ट और ये हो गया वेस्ट पार्ट तो वेस्ट पार्ट में भी फैला हुआ है बढ़िया चलिए <coughs> द लार्ज प्लेन्स एंड द हिमालयन माउंटेन सिस्टम आर लोकेटेड इन दिस पार्ट ये पार्ट में बहुत ही बड़े बड़े, बड़े प्लेन्स प्लेन्स मतलब बहुत ही सपाट जमीनें हमको मिलती है जैसे रण है जैसे उत्तर प्रदेश वाला बड़े पार्ट है दिल्ली पार्ट है वेस्ट बंगाल है उड़ीसा है ये सारे पार्ट जो है बिहार है ये सारे पार्ट हमको ये प्लेन्स दिख रहे हैं जहाँ पे सपाट लैंड है और नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन सिस्टम यहाँ पे हिमालय हमने को हमको देखने को मिलता है इतना बड़ा होता है बेटा हिमालय ठीक है चलिए एक काम करता हूं मैं आपको एक्चुअल मैप दिखाता हूं रुकिए कभी ये।, तो ये आ गया आपके स्क्रीन पे एक, एक एक्चुअल मैप इंडिया का जो हम गूगल मैप्स पे देख सकते हैं यहाँ पे हम देखिए हिमालयन माउंटेन सिस्टम कितना बड़ा है है ना तजाकिस्तान से लेके इतना बड़ा माउंटेन सिस्टम है हमको क्लियरली यहाँ पे हिमालयास दिख रहे हैं जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है ना बेटा वो पूरा हिमालयन का पार्ट है थोड़ा ये मैप और क्लियर करते हैं टेरेन पे आते हैं टेरेन में आपको जो भी है एलिवेशन दिखेगा ठीक है पूरा ग्रे वाला जो पार्ट है वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है तो इंडिया के अंदर हिमालयन माउंटेन सिस्टम हमको देखने को मिलता है जो जम्मू काश्मीर से शुरू होता है और उत्तराखंड नेपाल नेपाल है भूटान है इस सारी चीजों में हिमालयन माउंटेन सिस्टम हमको दिख रहा था इंडिया के नॉर्दन पार्ट में हिमालयन माउंटेन सिस्टम हमको देखने को मिलता है ये हो गया हमारा इंडिया चलिए थोड़ा जुम इन करके देखते हैं भाई कैसा दिखता है हिमालया देखो भाई हमको यहाँ पे एलिवेशन तो दिख रहा है लेकिन सर बर्फ नहीं दिख रही है चलिए बर्फ दिखा देते हैं ये हो गया बर्फ देखो गंगोत्री हमको देखने को मिलता है यहाँ पे गंगोत्री लिखा हुआ है बीच में है ना थोड़ा और जूमिन करते हैं तो हमको क्लियरली बर्फ दिखेगा यहाँ पे दिख रहा बेटा है ना बढ़िया हो गया चलो चलिए हम आते हैं वापिस टेक्स्ट बुक पे तो हम आ गए वापिस टेक्स्ट बुक पे चलिए देख लिया हमने हिमालय माउंटेन सिस्टम पूरा द एरिया टू द साउथ ऑफ टॉपी ऑफ कैंसर अ ट्राइंगुलर शेप एंड टेपर्स टूवर्ड द साउथ भाई हम टॉपी ऑफ कैंसर की जब बात करते हैं तो उसके साउथ वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट में कैसा हो रहा है भाई वी शेप बन रहा है ना वी शेप बन रहा है टेपर्स टूवर्ड द साउथ टेपर्स मतलब धीरे 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 करके छोटा होता जा रहा है वो स्लोली एंड स्टेडली छोटा होता जा रहा है उसको हम बोलते हैं तो पेनसुलर प्लेटू का ये पार्ट है ये जो पार्ट है वो पेनसुलर प्लेटू बोला जाता है पेनिंसुल मतलब क्या होता है बेटा पेनिन्सुल मतलब ऐसा लैंड मार्स ऐसी लैंड जिसके तीन साइड पानी होता है जिसके तीन साइड मतलब नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ इसमें से कोई भी तीन साइड पानी होना तो भाई हमारे नीचे वाले एरिया में तीन साइड पानी तो है ही है ना साउथ में पानी है इंडियन ओशन है यहाँ पे वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है तो इसको हम इसलिए बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट ये जो पार्ट हो गया बेटा वो पेनिनसुलर पार्ट हो गया इतना पार्ट पेनिनसुलर पार्ट है हमारा इंडिया का इट इंक्लूड द ईस्टर्न प्लेन्स एंड द नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो यहाँ पे ईस्टर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं ईस्टर्न प्लेन्स मतलब यहाँ पे थोड़ी सपाट लैंड है ईस्टर्न पार्ट में और नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो मतलब ये छोटे वाले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमको देखने को मिलते हैं जहां पे बहुत ही बढ़िया तट लाइन है ना सी कोस्ट है जहां पे दरिए दरीय, दरिया है बहुत ही बढ़िया द लैटिट्यूडिनल एज वेल एज longitudinal एक्सटेंट्स ऑफ इंडिया आर ऑलमोस्ट इक्वल which इज अबाउट 30 डिग्री बट एक्चुअली द लेंथ बिटवीन Kashmir टू कन्याकुमारी थ्री टू to 14, इसका मतलब क्या होगा बेटा और longitudinal एक्सटेंट्स इंडिया के ऑलमोस्ट इक्वल है मतलब 37 degree डिग्री सिक्स से हम 8 डिग्री 4 माइनस करेंगे तो कितना निकलता है ऑलमोस्ट 30 डिग्री निकलता है और 68 और 97 में भी हम माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री जितना निकलता है तो ऐसा बोल सकते कि भाई इक्वल है लेटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल जो भी मेजरमेंट uh, है वो ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन आ, कश्मीर टू कन्याकुमारी जो हो जाता है बेटा कश्मीर जो यहाँ पे हमने देखा ना ये जो कश्मीर वाला पार्ट है उससे कन्याकुमारी तक कन्याकुमारी तक ये जो पूरा लाइन बना हुआ है वो कितना किलोमीटर है बेटा थ्री टू वन फोर है ना थ्री टू वन फोर है तो ये पूरा एरिया जो है वो थ्री टू वन फोर किलोमीटर है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टीन किलोमीटर्स

ये पार्ट में बैठे हुए हैं ठीक है थीके? और ये पार्ट में एक आपका दोस्त बैठा हुआ है तो आपके बीच में दो घंटे का डिफरेंस हो जाएगा दो घंटे का डिफरेंस मतलब अगर आपकी घड़ी में 12 बजे तो उसी घड़ी में भी 12 ही बजे होंगे लेकिन अगर सनराइज हो रहा है सनराइज हो रहा है ठीक है तो क्या होगा देखिए हमको यहाँ पे दिया गया है अगर सनराइज हो रहा है तो वेन इट इज सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश इट इज स्टिल नाइट टाइम इन गुजरात तो अगर यहाँ पे सनराइज हो रहा है अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज हो रहा है तो दो घंटे के बाद गुजरात के अंदर सनराइज होगा इसका मतलब क्या होगा बेटा कि अगर हम गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं अगर यहाँ पे सात बजे है और हमको सनराइज देखने को मिलती है इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में पांच बजे ही सनराइज हो जाता है दो घंटे हमसे वो आगे चल रहे हैं लेकिन टाइम सेम है इंडिया का पूरा टाइम तो सेम ही रहता है ठीक है <coughs> गुजरात वेस्टर्न, ओके वेन इट इज सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश इट इज स्टिल नाइट टाइम इन गुजरात द स्टैंडर्ड meridian ऑफ इंडिया इज 82 टू डिग्री थर्टी ईस्ट लॉन्गिट्यूड इट पासिस थ्रू फाइव स्टेट तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पांच स्टेट से पास होता है देखो यहाँ पे डॉट 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 dot वाली लाइन हमको दी गई है 82 डिग्री भी लिखा हुआ है तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास होता है पांच स्टेट्स से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन बेटा टाइम के लिए हम मेजर टाइम कर, मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं तो ये जो 82 डिग्री 30 पे स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास होता है पांच स्टेट्स से इट्स लोकल टाइम इज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया तो इनका जो लोकल टाइम होता है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बताया जाता है इसका मतलब कि यहाँ पे जो टाइम पे सनराइज होती है ऐसा सेम टाइम पे हमारे यहां पे भी सनलाइट सनराइज हो या अरुणाचल पे भी सनराइज हो ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर यहाँ पे हमको सनराइज दिखती है सात बजे तो गुजरात में वो होगी साढ़े सात पौने आठ बजे और अरुणाचल प्रदेश में पांच साढ़े पांच बजे होगी ठीक है ये समझ में आ गया बेटा चलिए तो ये लाइन को ही ये लाइन पे जो टाइम होता है जब लाइन पे जो टाइम मेजर किया जाता है वही होता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम टोटल एरिया ऑफ इंडिया इस 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया का पूरा एरिया है वो कितना बेटा 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडिया रैंक्स सेवेंथ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया तो एरिया में सेवेंथ रैंक आता है इंडिया का और छह कंट्रीज जो इंडिया से लार्ज है बड़ी है वो है रशिया कैनेडा यूएसए चाइना ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया ये सारी जो कंट्रीज है वो हमसे एरिया वाइज बड़ी है छह कंट्रीज हमसे बड़ी है हम सेवेंथ रैंक पे है ये हमको याद रखना है ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सेवेंथ रैंक है इंडिया का एरिया में और बाकी छह कंट्रीज हमसे जो लार्ज हैं वो कौन सी कौन सी है रशिया कनाडा, यूएसए चाइना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया ये सारी कंट्रीज जो है हमसे लार्ज है चलिए आगे बढ़ते हैं द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ एशिया तो इंडिया का जो भी एरिया है वो तो साउथ एशिया में वो भी हमने पढ़ा अभी शुरुआत में ही पढ़ा कि एशिया के साउथ में इंडिया आता है इन द नॉर्थ लॉफ्टी माउंटेन लॉफ्टी मतलब बहुत ही बड़े बड़े बढ़िया से नॉर्थ में लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस आर स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन तो नॉर्थ में वेस्ट से लेके ईस्ट डिरेक्शन तक बढ़िया से हिमालयन माउंटेन रेंज फैले हुए हैं दैट इज वाई द कम्यूटिंग विथ टिबेट एंड चाइना इज पॉसिबल ओनली थ्रू लोकेटेड एट हाई ऑल्टीट्यूड तो कम्यूटिंग मतलब आना जाना अगर टिबेट और चाइना में आना जाना रहेगा तो वो खाली बड़े बड़े पर्वतों को पार करके ही हमको जाना पड़ेगा बहुत ही थ्रू पासिस पासिस बनाए जाते हैं ना पर्वतों के बीच में से उनको हम बोलते हैं पासिस तो पासिस से ही पॉसिबल होता है जाना बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट यहाँ पे हमको बे ऑफ बंगाल दिख गया बे ऑफ बंगाल ईस्ट में हमको दिखाई दे रहा है अरेबियन सी टू द वेस्ट अरेबियन सी वेस्ट में दिखाई दे रहा है एंड इंडियन ओशन टू द साउथ ऑफ द पेनिसुलर इंडिया तो पेनिनसुलर इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन दिख रहा है द सी इज यूटिलाइज एज अ वाटर वे तो भाई ये जो पूरा दरिया का पार्ट है ये पूरा कैसे यूज करते हैं हम वाटर वे है ना आने जाने के लिए शिप्स उसके अंदर ट्रावल करती है शिप्स ट्रेडिंग करती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी हम वॉटर वे के तरीके से हम सी को यूटिलाइज करते हैं

इंडियन सोसाइटी के अंदर मर्ज कर दिया इंडियन सोसाइटी के अंदर वो मिक्सड हो गया है बेटा ये मैप के अंदर मैं थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मैप एक्चुअली है क्या देखिए ये मैप के अंदर हमको जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं वो एयर रूट है और वो हाइफन जो दिख रहे हैं वो सी रूट है तो ये दिल्ली से होके एयर रूट जा रहा है बैंकॉक थाईलैंड वहां से फिलीपींस जा रहा है वहां पर टोक्यो जा रहा है जापान जा रहा है दिल्ली से ईरान जा रहा है ईरान से आ, सीरिया जा रहा है वहाँ से पास हो रहा है तो ये सारे एयर रूट हैं मुंबई से सीधा एयर यूरोप जाता है सी रूट की हम बात करते हैं सी रूट जो है वो मुंबई से यहाँ पे मौजम भी जाता है दिख रहा है हमको है ना? मुंबई से लक्षद्वीप आइलैंड होके सी रूट जाता है सिंगापुर मलेशिया फिर थाईलैंड फिर श्रीलंका भी जाता है सी रूट फिर ऑस्ट्रेलिया भी जाता है वो सी रूट कोलकाता से होके म्यांमार जाता है है ना मलेशिया जाता है मलेशिया से होके फिलीपींस जाता है जापान जाता है टोक्यो जाता है जापान में तो ये सारे हमारे सी रूट्स हैं एक रूट मुंबई से होके यहाँ पे देखिए दिख रहा है हमको यहाँ पे होके सुस कैनाल पास होके वहां फिर वापिस जा रहा होगा वो साइड यूरोप साइड तो ये सारे सी रूट्स हैं बेटा कैसे देखो कैसे हम कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं बीच में डायरेक्टली कोई कंट्रीज नहीं हमारे वहां होके जाती है देखिए दिख रहा है ओके okay. चलिए बात करते हैं आगे थोड़ा जूम इन करते हैं जिससे आपको आप पढ़ सकें ओके okay, बहुत ही हो गया ओके चलिए इंडिया होल्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इट हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्थ हमारे नॉर्दर्न uh, हेमिस्फीयर में ईस्ट साइड है इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला गया है एंड इट हैज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो इंडिया इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर वंस ओशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन डेवलपिंग म्यूचुअल रिलेशन इन एंशियंट टाइम्स बेटा बहुत ही पुराने जमाने में ओशियंस ने बहुत ही आ, ज्यादा हमारे कंट्री बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे म्यूचुअल रिलेशन डेवलप करने के लिए म्यूचुअल रिलेशन एक, तो एक दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छी रिलेशन मेंटेन करने के लिए ऑप्शन ने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है इंडिया है स्टेट रिलेशन विद ईस्ट अफ्रीका वेस्ट एशिया साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया सिंस टाइम्स तो वही ईस्ट अफ्रीका मतलब अफ्रीका का ईस्ट वाला पार्ट वेस्ट एशिया मतलब एशिया का जो भी वेस्ट वाला पार्ट है जो है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट जो वेस्ट एशिया का पार्ट है वहां पे कंट्रीब्यूट किया है ये ईस्टर्न अफ्रीका है फिर साउथ एशिया साउथ एशिया मतलब सिंगापुर मलेशिया है ना साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर मलेशिया हो गया पैसिफिक ओशियन के साइड टोक्यो जापान हो गया साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस हो गया सिंगापुर हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया तो ये है साउथ एशिया इंडिया इज डेवलप्ड कल्चरल एंड कॉमर्शियल रिलेशन विद देम ड्यू टू हर लोकेशन तो इंडिया ने कल्चरल रिलेशन भी बनाए हैं और कॉमर्शियल लोकेशन भी बनाए हैं ट्रेडिंग भी किया है नो कंट्री इन इंडियन ओशियन हैज लॉन्ग मैरी टाइम बाउंड्री हैज़ इंडिया हैज़ तो इंडियन ओशियन में जो भी कंट्री है वो कंट्री में इतनी बड़ी मेरी बाउंड्री नहीं है जितनी इंडिया के पास है मैरी बाउंड्री मतलब क्या हो गया बेटा ये जो गुजरात से लेके पूरा कोलकाता तक जो भी बाउंड्री है हमारे पास उसको हम बोलते हैं मैरी बाउंड्री है ना जो बाउंड्री सी से जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं मैरी बाउंड्री तो इतनी बड़ी बाउंड्री किसी भी और कंट्री की नहीं है ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन द ओशन इज नेम एज इंडियन ओशन इसीलिए ओशन को बोला गया है इंडियन ओशियन चलिए बेटा यहाँ पे हम फुल स्टॉप रखते हैं नेक्स्ट टाइम देखेंगे आगे लोकेशन के बारे में जानेंगे हम हमारे नेबर्स कौन से कौन से हैं उसके बारे में हम देखेंगे हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे चलिए बाय बाय फॉर नाउ और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में